हाय टू एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। इज इट लाइव? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़े दिनों बाद आज हम लोग 4 बजे मुलाकात कर रहे हैं ना। मुझे लगता है 3 साढ़े 3 महीने बाद ऐसा समय आया है कि हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, अरे आफ्टरनून ना है भाई, इवनिंग हो गई है। इवनिंग, ऑल राइट। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज अपना ये जो सेशन होने वाला है, दिस इज बेस्ड ऑन द बजट। बजट बहुत सारे लोगों ने बैठ के पूरी स्पीच भी सुनी होगी, लेकिन इस पूरे स्पीच में से क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? हमें तो सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए, है ना। इस बार के बजट में बहुत सारी कोई अलग से स्कीम्स नहीं आई हैं, जो है ऑलरेडी उसी के बारे में बात हुई है। इस बार का जो बजट है ये एक इंटरिम बजट है, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया। इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर दोबारा से एक बार आपको बजट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। चलो एक बार इसे सेशन को जरा अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और एवरीथिंग भैया, कैसन बा? भूला, मान्या, निंजा, संजय, संदीप, गणेश, रितेश, नंदिनी, शिखा, वेरी 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 गुड इवनिंग। तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे, और देखते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमण जी का जो बजट आया है, इन्होंने जो इस बार का बजट प्रेजेंट किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। सब रेडी टू गो? सब रेडी? लिखते जाना साथ साथ। शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलिए, अमित, सुरेश, भक्ति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे और देखते हैं इस बार के बजट में आपको क्या क्या देखने को मिला है। तो उम्मीद करेंगे कि सभी लोग यहाँ पर रेडी होंगे। चल, इस बार का जो बजट आया है, जब हम यहाँ पे शब्द कहते हैं ना बजट, तो बजट से आपको एक शब्द और देखने को मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो आपको जो वर्ड देखने को मिलता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। और ये जो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपको आर्टिकल नंबर 122 के अंदर देखने को मिलता है। जय श्री राम। अब यहाँ पे ध्यान, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बजट देखने को मिलेगा। अब बजट जो होता है वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो बजट है उसे प्रेजेंट किया जाता है। बजट के लिए अलग से सेशन होता है जिसे हम बजट सेशन के नाम से जानते हैं, और इस बार का जो बजट सेशन है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, राइट। लेकिन आप सबको मालूम है ये बात कि इस बार इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, और ये जो इलेक्शंस होंगे ये लोकसभा के चुनाव हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बार का जो बजट आएगा उसके अंदर आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है, दैट इज इंटरिम बजट। ये जो इंटरिम बजट है इसका मतलब क्या है और इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं? अगर हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के ही लिए आया है। इसको प्रेजेंट कौन करता है? तो आपके सामने आपको नजर आ रही है निर्मला सीतारमन जी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो यहाँ पे बजट को प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बजट यहाँ पे प्रस्तुत कौन? खुश तो ऐसे लग रहे हो सब, जैसे लगता है वैकेंसीज बढ़ गई हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, हाँ, खुशी तो ऐसे हो रही है तुम लोगों को आज। चले, तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और बजट को प्रेजेंट किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने बजट को प्रेजेंट किया। निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो इन्होंने ये छठा बजट प्रेजेंट किया है, यानी कि अभी तक आप देखेंगे तो ये 5 बजट प्रेजेंट कर चुकी थी और ये इनका छठा बजट है। सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए तो किसने बजट को प्रेजेंट किया है? तो मोरारजी देसाई जी, 10 बार, लेकिन उसमें भी 6 बार लगातार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था और 6 बार लगातार निर्मला सीतारमन जी ने भी बजट को प्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर हम इस बजट की बात करें तो सबसे पहली बार जो बजट इंडिया के अंदर आता है ये कब आएगा? 7 अप्रैल 1860 में, और इसको प्रेजेंट कौन करते हैं? जेम्स विल्सन के द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार इसको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। आपके सामने इनकी फोटो। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ, यानी कि जब हम फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो फ्री इंडिया में आप देखेंगे
तो आर के चेट्टी जी के द्वारा सबसे पहली बार जो बजट है वो आता है कब, 1947 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्मला सीतारमन जी कोई फर्स्ट विमेन है जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। इससे पहले आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी, क्या नाम आएगा, इंदिरा गांधी जी। ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं थी, ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं थी, बट हाँ कुछ समय के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी आपको देखने को मिले। और इसके बाद में निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इनको चुना गया फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट था, जरा कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे। इससे पहले इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, एग्जैक्टली कौन सा होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन सी हो जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री पहले आपको इनके पास देखने को मिलती है, किसके पास, निर्मला सीता रमन जी के पास, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मोरारजी देसाई जी के बारे में भी आपको बता दिया। अब इस बार जब निर्मला सीता रमन जी ने बजट को प्रेजेंट किया तो पहली बार 2021 में जो बजट आया था वो कैसा था, पेपरलेस था। कैसा था, पेपरलेस बजट आपको देखने को मिला था, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि पहली बार पेपरलेस बजट कब आया था, तो ये बात हो रही है कब, 2021 की। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करें, यानी कि अभी जो इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, ये आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में आपको ये बैग नजर आ रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी। अब आप पेपरलेस आया है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर क्या होगा, टैब होगा, यानी कि डिजिटल वाला जो बजट है अब वो प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इनके हाथ में टैब नजर आ रहा होगा, ये फोटो है, कितने खुश हैं, आह आह। चले, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बही खाता टू मेक इंडिया व्हाट, पेपरलेस। चलो, ये बात तो यहाँ पर हो गई इसके बारे में। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि इस बार का जो बजट प्रेजेंट किया गया है उसमें समय कितना लगा है। तो यहाँ पे इस बार का जो बजट की स्पीच आपने देखी है, इस बार ज्यादा देर की नहीं थी, बहुत जल्दी खत्म हो गया। कितनी देर में, 58 मिनट्स में ही खत्म हो गया, समझ रहे हो, कितनी देर में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ 58 मिनट्स के अंदर इसका समापन हो गया। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी स्पीच आपको किसकी देखने को मिली पूरे इतिहास के अंदर, तो सबसे लंबी जो आपको स्पीच देखने को मिलेगी वो इनकी ही देखने को मिलेगी। क्या मुझे बता सकते हैं कौन से ईयर की बात है, हाँ जी, क्या मुझे बता सकते हैं कौन से ईयर की बात है जब इन्होंने 2 आवर्स 42 मिनट्स की अपनी स्पीच दी थी, बताओ। करेक्ट, कुछ समय बाद में अभी 58 सेकंड की होगी, वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है वाईटी शॉर्ट बनाएंगे। चलो आंसर बताओ, ऑलराइट। तो ये कब हो जाएगा, 2020 में इनका ही जो बजट आया था, मतलब इन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया था उसके अंदर सबसे लंबी स्पीच इन्होंने दी थी, 2 आवर्स 42 मिनट्स की स्पीच थी, ठीक है। लेकिन इस बार काफी कम टाइम लिया इन्होंने, मुझे तो लगा कि अरे यार अभी शायद इसके बाद इसका पार्ट टू भी आएगा, लेकिन वो वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत हुई और 12 भी नहीं बज पाया था, उससे पहले ही बजट खत्म हो गया। ऑलराइट, अब ये तो बात हो गई कि ओहो, शुभारंभ भी तो होना है। बजट के आने से पहले आपने देखा था कि हलवा सेरेमनी हुई थी और हलवा सेरेमनी में निर्मला सीतारमन जी ने सबको हलवा प्रेजेंट किया था। उसके बाद में आया था इकोनॉमिक सर्वे, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे था ये भी आपको पिछले साल का ही डेटा देखने को मिला, नहीं देखा है तो इसको भी मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे खिला रही है कुछ मीठा, है ना, कुछ अच्छा करने जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है, हाँ जी जी बिल्कुल, जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद में फिर से बजट आएगा, जी 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 बिल्कुल आएगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे कुछ मीठा खिलाती हुई, किसको, निर्मला सीतारमन जी को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी अच्छा, एक चीज बताओ, जिन बच्चों को यूपीएससी का पेपर देना है उनके लिए एक छोटा सा सवाल, इन्होंने ये जो साड़ी पहनी है ना, देखो यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है, इन्होंने ये जो साड़ी पहनी हुई है ये कौन सा वाला सिल्क है, बताना तो जरा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने इनको कुछ मीठा खिलाया। अच्छा, जब बजट प्रेजेंट होता है, जब बजट का सेशन चलता है, तो वहां पे जो हमारी प्रेसिडेंट होती हैं उनकी भी एक स्पेशल स्पीच आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपनी जो स्पीच है वो यहाँ पर दी। और जब हम स्पीच की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, है
कौन सी? धानी चीनी. सोच लो धानी चीनी. सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ. अच्छा, तो जब यहाँ पे इन्होंने स्पीच दी, तो अगर हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर आपको 87 देखने को मिलता है, जहां पे स्पेशल स्पीच दी जाती है. स्पेशल स्पीच दी जाती है किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति के द्वारा. ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे इनकी स्पीच. अच्छा, अब इस बार का जो बजट आया है ये ध्यान रखिएगा. प्रेजेंट कब हुआ? फर्स्ट ऑफ फेब को प्रेजेंट हुआ, 3 महीने के लिए आया है. तो इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है इंटरिम बजट. अच्छा, अब इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है? इंटरिम बजट का मतलब होता है कि इस पूरे बजट के अंदर सरकार का कितना रेवेन्यू रहा, यानी कि गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आया. और गवर्नमेंट अभी जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक इनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, और इन्होंने पिछले साल में कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंड किया, उन सभी का डेटा आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो इंटरिम बजट और फुल बजट में डिफरेंस होता है. मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था, इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट के बारे में. अगर वोट ऑन अकाउंट आता है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वोट ऑन अकाउंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जब हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर डिस्कशन देखने को मिलता है. ये डिफरेंस मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था. ठीक है प्रवीण बेटा, रुक जा मुन्ना, रुक जा, शाम को 7 बजे आपको आज इसके ऊपर सेशन मिलेगा. अभी ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में बाद में बात करेंगे. शाम को 7 बजे होगा सेशन. अभी बजट पढ़ा रहे हैं तो बजट की कुछ बातें बताओ अगर तुम्हारे पास में हो तो. कह रहा है कोई बजट सिल्क पहना था. सिद्धार्थ करेक्ट, टसर सिल्क पहना था उन्होंने. ठीक है, टसर सिल्क. जिस भी बच्चे को यूपीएससी का पेपर देना है तैयार रहिएगा इस सवाल के लिए. आइए तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बार के बजट में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं. सारी बातों को हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद में एक बार पीआईबी का जो पूरा डेटा है वो आपको दिखाएंगे. ठीक है, आप सुनिए. इन्होंने बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक का पार्ट ए और एक का पार्ट बी. पार्ट ए में इन्होंने सारी बातें की सोशल लाइफ के ऊपर, इसके ऊपर सोशल लाइफ के ऊपर. और पार्ट बी जो था इसके अंदर इन्होंने सारी बातें की हैं फाइनेंस के ऊपर, यानी कि टैक्सेशन के ऊपर कि कितना टैक्स कहाँ पे किसको क्या. तो हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आएंगे सेकेंड वाले पार्ट की तरफ. चलो लिखना शुरू करना, ना किसी का कोई पॉइंट रह जाए, फिर कहना मत कि मैम रह गया. ठीक है, चलिए. सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया है अपने इस, अब यहाँ पे ध्यान दो, नाउ फोकस. पहली बात इन्होंने बताया है गरीब कल्याण देश कल्याण. पहला पॉइंट बताया है गरीब कल्याण देश कल्याण, यानी कि अगर हम गरीबों का कल्याण करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो देश है हमारा वो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता रहेगा. इसके अंदर इन्होंने बताया है कि हमारे देश के अंदर 25 करोड़ की जो आबादी है उसे गरीबी मुक्त किया गया है. कितने सालों में? 10 सालों में. पॉइंट नंबर वन, ये फिगर पेपर में पूछा जाएगा. इसके बाद में दूसरा इन्होंने बताया है जन धन योजना. आई होप कि आपको याद होगा कि जो जनधन योजना आई थी इसके अंदर सबके बैंक अकाउंट खोले गए थे, और ये बात है कब की? 2014 की. इसके अंदर बताया गया जो सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें आप देखेंगे तो करीबन इतना आपको देखने को मिलेगा. ये बात हो रही है किसकी? सेविंग अकाउंट्स. ऑलराइट, तीसरे पॉइंट पे आते हैं. तीसरा पॉइंट आया स्वनिधि योजना या फिर पीएम स्वनिधि योजना. आप सबको ये भी योजना मालूम है. इसके अंदर क्या बताया गया था? जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स से उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था. कब आई थी योजना? 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया. तो इसके अंदर बताया गया है कि 7.8 कितना? 7.8 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. यहाँ पे ये कितने लाख हैं? करीबन इतने लाख हैं जिनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला. देखो इस बार के बजट में कोई नई स्कीम नहीं आई है. सबसे अच्छी चीज ये है, सिर्फ आपको पुरानी पुरानी रिकॉल करनी है. बहुत अच्छी चीज है, इस बार कुछ भी नया नहीं आया. ठीक है, अच्छा फिर क्या आया? फिर इन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, आपको योजना तो याद होगी ना, विश्वकर्मा योजना. जरा मुझे बताना कब आई थी विश्वकर्मा योजना? जल्दी से लिख के बताओ ये कब आई थी. 17 सितंबर को लॉन्च की गई थी, जिसमें बोला गया था टोटल 18 सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे.
चाहे वो आर्टिशंस हो या कॉबलर्स हो, इन सब को हम फोकस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। ओ भैया ईयर बताओ, ईयर तारीख तो हमने भी लिख दी, मोदी जी का बर्थडे कैसे भूल जाओगे। पंजाब का पेपर था, सब क्लास का पढ़ाया हुआ करंट आया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी ईयर ईयर बताए, ईयर 2023। चलिए बहुत बढ़िया, ईयर क्या होगा 2023। तो ये चार चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। अच्छा और क्या बोला इन्होंने, बोला कि नारी शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? नारी शक्ति जो है ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी इन्होंने बात कही। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। इन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे करके जो सोलर रूफ टॉप है, आपको ध्यान होगा अभी 22 जनवरी को मोदी जी ने सोलर रूफ टॉप के ऊपर एक योजना को लॉन्च भी किया। तो बोला गया कि सोलर रूफ टॉप जो है इसकी सहायता से हर महीने के हिसाब से 300 यूनिट, कितना 300 यूनिट जो बिजली दी जाएगी, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, ये क्या होगा, दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बोला गया है। अच्छा और क्या बोला गया, और बोला गया है इसमें पीएम आवास योजना। कौन सी योजना? पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के अंदर अभी आप देखेंगे तो काफी सारे घर बनाना बाकी है, करीबन 3 करोड़ घर जो है पक्का घर, ध्यान लीजिएगा पक्के घर की बात हो रही है, इसको बनाना अभी बाकी है। लेकिन इस बार के स्पीच में बोला गया कि हम एक काम और कर रहे हैं कि आने वाले अगले 5 सालों में, आने वाले अगले 5 सालों में हम 2 करोड़ घर और बनाएंगे। क्या करेंगे हम? 2 करोड़ पक्का हाउस जो है उसे और भी ज्यादा हम बनाने का काम करेंगे। चलिए हाँ फ्री 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 ये हो गया। अच्छा फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर जो इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो का मतलब क्या है, जो पैसा आया है, जो बाहर की कंपनीज ने, बाहर की कंट्रीज ने हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफ्लो। तो हमारे यहाँ पे जो इनफ्लो हुआ है कब से कब तक, 2014 से 2023 के बारे में, मतलब ये पूरा डेटा इन्होंने इसके बारे में दिया है, जिसमें बोला गया है 596 बिलियन डॉलर का जो इनफ्लो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिला। भाई साहब देख रहे हो, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे इतना इनफ्लो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी चीज है, अब इतना ज्यादा इनफ्लो हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला फिस्कल डेफिसिट। अब पेपर में तुमसे यही तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, हाँ तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के ऊपर जब उधारी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो उस उधारी को कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो सरकार के ऊपर अभी बढ़ रहा है लेकिन हम इसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये हमेशा जीडीपी के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो बताया गया कि 2024 का कितना है, 5.8% है किसका, जीडीपी का। लेकिन बोला गया ये 2024 की बात है, लेकिन जब 2025 आएगा तो इस रेशियो को हम यहां तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, और फिर बोला गया कि आने वाला जो अगला साल है जीडीपी में 2026 पे जब हम आएंगे तो इसको हम 4 के फिगर में ले आएंगे, ऐसा यहां पर बोला गया। किसके लिए? फिस्कल डेफिसिट के लिए। मतलब इन्होंने आने वाले जो 2 साल हैं उनके लिए भी बता दिया कि सरकार के ऊपर जो बर्डन होगा वो करीबन आपको ये देखने को मिलेगा। हाँ हाँ एलन मस्क तुम्हारा कहाँ से आ गया ये बताओ बीच में। चलिए और इन्होंने क्या बताया, अभी तो लखपति दीदी आना बाकी है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने बताया इस बार के बजट के अंदर कि ये जो बजट है ये इंटरिम बजट है, यानी कि जब सरकार आएगी तो उसके बाद में बजट एक बार फिर से आएगा, तो इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको तरक्की बता रहे हैं, हमारे देश की जो तरक्की हुई है, जो यहाँ पे जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही बता रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारा जो देश है वो आने वाले टाइम में विकसित भारत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि टाइम आ रहा है कौन सा, 2047। और ये जो अमृत काल है, ये जो अमृत काल है इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला कर्तव्य काल। तो भैया ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमें क्या करना है, अच्छे अच्छे ही तो काम करने है ना,
हाँ अभी रुको, लखपति दीदी बनाते हैं तुम्हें, अच्छे अच्छे काम ही तो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि हम क्या कर रहे हैं, आईटीआई न्यू कॉलेजेस जो हैं उसको भी बनाएंगे। कितने कॉलेजेस बनाएंगे? करीबन 3,000 जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये तक बोला कि चेस के महारथी, समझ गए ना कौन, जल्दी से एक बार नाम बता दो। तो हमारा जो देश है वो धीरे धीरे करके विकसित सिर्फ टेक्नोलॉजी और इन सब के फील्ड में नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चेस है उस फील्ड में बहुत अच्छा योगदान हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनका देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? कुछ नहीं आया भाई, मौसम कुछ नहीं आया। प्रज्ञानंद, ओके वही अपने चेन्नई वाले, इनकी भी बड़ी तारीफें की गई। हाँ इनकी भी बहुत तारीफ की गई, चलिए ठीक है। अच्छा और क्या बोला गया? और बोला गया कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, क्या होता है सर्वाइकल कैंसर होता है, तो अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा है जो इस एज ग्रुप के बीच का है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ये बात भी यहाँ पर बोली गई। इसके बाद में बोला गया लखपति दीदी के बारे में। चल आपको याद होगा लखपति दीदी, जिसके अंदर बोला गया था कि हर साल के हिसाब से जो अर्निंग होनी चाहिए महिलाओं की वो करीबन 1,00,000 होनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया था। तो इसके अंदर बताया गया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। किसकी किसकी दीदी लखपति बन चुकी हैं भाई? हाउ मेनी ऑफ यू, राइट, कितने लोगों की दीदियां जो है वो लखपति बन चुकी है? तो इन्होंने बताया 1 करोड़ जो है वो यहाँ पे लखपति बन चुकी हैं, और हमारा जो टारगेट था वो 2 करोड़ का था, लेकिन हम इस टारगेट को बढ़ा रहे हैं और ये टारगेट हमने कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया। इन्होंने बताया ये, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ उत्तराखंड में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में मोदी जी ने इसको 17 तारीख से लॉन्च किया था पूरे भारत में, ठीक है। ये योजना भी कब आई थी? 17 सितंबर 2023 को इसको भी लॉन्च किया गया, ठीक। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया उड़ान योजना के बारे में। पूरे देश का आम नागरिक, अब अभी आप देख रहे हैं अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, इवन गुजरात के अंदर जो सूरत के अंदर जो आपको एयरपोर्ट देखने को मिलता है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है। तो उड़ान योजना के अंदर जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर बोला गया कि हमने खूब सारे एयरपोर्ट जो है उनको बना डाला है, और करीबन कितने इतने नए एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, 500 से ज्यादा एयरपोर्ट जो हैं इनको डेवलप किया गया। कितने खुश हो रहे हैं, ऑलराइट। उड़ान योजना के बारे में भी बात की गई है। अच्छा फिर इन्होंने एक बात और बोली, ध्यान से सुनना, हंसना बाद में पहले सुनना। इसमें बोला गया है कि हमारे देश की जो आबादी है जो कि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें यह भी बोला गया है कि इस आबादी को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। बट अपने पेपर में नहीं आएगा क्योंकि कमेटी हेड कौन करेगा ये नहीं बताया है, ठीक है। ये बताया होता तो हम आपको बता देते, चलिए कोई बात नहीं। अब ये सब बातें तो यहाँ पे बता दी गई, बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें बताई गई पार्ट नंबर 1 के अंदर। अभी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे, लेकिन सुनिएगा पार्ट नंबर 2 की तरफ चलने से पहले कुछ और बातें। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक, पहले भी यही था और अभी भी यही है। 7,00,000 तक की अगर इनकम है तो वहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, जो पहले था वही है, नो चेंजेस। दूसरा बोला गया कि 10 साल पुराने 10,000 तक का टैक्स जो है वो माफ किया गया है। अगला ही पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, ये मैंने अभी आपको बताई दिया, इन्होंने अपना टारगेट चेंज किया है, तो ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। अच्छा और क्या बताया गया? लक्षद्वीप वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप के विकास के लिए खास योजनाएं आएंगी और काफी सारे कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। क्या होने वाला है? अलग अलग आप देखेंगे तो योजनाएं आएंगी लक्षद्वीप के लिए, और साथ ही साथ में रेल कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। हाँ जी, ये यहाँ पे रेलवे के लिए लिखा है ना, 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, बस इतना ही लिखा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या बताया गया? उसके बाद में बताया गया कि अगर हम इस बजट का एस्टिमेशन करते हैं फॉर 2024 एंड 2025, तो यहाँ पे बताया गया टोटल रिसिप्ट, ठीक है, कितना रिसीव हुआ है। रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो चीजें जो है वो हमें रिसीव हुई है, ठीक। 30.80 लाख करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर, 47.66 लाख करोड़, एंड टैक्स रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो 26.02 लाख करोड़। ये फिगर्स आपको याद नहीं करने, पेपर के अंदर आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा जाएगा, ठीक है। और जीडीपी आप जानते हैं,
जीडीपी जो पहले बताई गई थी 7%, वही अभी बताई गई, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अच्छा यहाँ देखिएगा क्या बोला गया, 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट निशुल्क बिजली, देख रहे हो, ये अभी मैंने आपको बताई दिया। अच्छा फिर क्या बताया गया, इनकम टैक्स लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ये आपका पार्ट बी के बारे में ही बातें बताई गई। उसके बाद में आप देखेंगे टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं है, तो भाई कहाँ तक का अमाउंट है, तो 7 लाख तक का अगर अमाउंट है तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो जीएसटी है, जो कि एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इस बार जब कलेक्ट हुआ है तो वो 2 टाइम से भी ज्यादा आपको जीएसटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। अगला पॉइंट जो इन्होंने अपने इसके अंदर बताया है वो ये बोला गया है कि हम जिस तरीके से अमृत काल को लेके इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये जो अपने 3 से 4 महीने का समय होगा उसमें हम और भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि टैक्स कलेक्शन जो है उसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, टैक्स बराबर से लोगों को भरना चाहिए, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे माफ किया गया टैक्सेशन उसके बारे में भी बताया गया, ठीक है, तो सारी बातें इन्होंने टैक्सेशन के बारे में बताई। अच्छा रेलवे कॉरिडोर, अभी मैंने आपको रेलवे कॉरिडोर के बारे में बताया, तो मैंने बोला था 3 कॉरिडोर बनेंगे, तो 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, उसके बाद में पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर्स बनेंगे, और उच्च यातायात के लिए भी यहाँ पे आपको कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे। ये अनाउंसमेंट भी किया गया है किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। टैक्स लैब जैसा पहले था वैसे ही अभी है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो इन शॉर्ट की बात करें, अगर हम इसको पूरा एक साथ रिकॉल करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको PIB का डेटा देखने को मिलता है। इस बार के बजट में क्या था वो तो आपने सुन लिया, लेकिन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा अभी भी है जो कि पहले भी था। उसके बाद में गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये आपको मैंने पहले बता दिया। नारी शक्ति के ऊपर बात की गई है, पीएम आवास योजना के ऊपर बात हुई है, सोलर रूफटॉप मुफ्त बिजली की बात हुई है, आयुष्मान भारत की भी बात की गई है, जिसके अंदर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रेलवे की बात हुई है, एविएशन सेक्टर हो गया, ग्रीनरी। अब देखो ग्रीनरी में एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने अलग से बताया है, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी 100 MT2 सेटअप बाय 2030। तो ये 2030 का टारगेट आपसे पूछ सकते हैं, तो ये टारगेट याद रखिएगा, ठीक है। टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप वाला आपको पॉइंट बताया, और एस्टिमेशन में भी आपको बता दिया। पार्ट नंबर 2 सीधे सीधे टैक्सेशन के ऊपर यहाँ पे बताया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बताया गया, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी बात अलग से नहीं है, कोई भी अलग से योजना आपको देखने को अभी नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना इस बार का बजट, द गवर्नमेंट सक्सीडेड विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रीफ ऑफ नेशन फर्स्ट, ये इनका समापन था, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम पहले भी काम करते आ रहे थे, आज भी हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे, और हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, यानी कि इंडिया फर्स्ट का नारा देते हुए इन्होंने अपने इस बजट को समाप्त किया है। तो ये था आपका बजट का सेशन। इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने कल ही पढ़ा दिया था, उसे एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ चलिए, नहीं अभी देखो क्या होता है ना कि जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ओके, तो अब उनका काम अलग स्लॉट में होता है, जैसे कि आशा वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स आप बोल लीजिए, अब क्या किया जाएगा, उनको आयुष्मान योजना के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वो भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई, इसके अलावा आपका पेड बैच आप सबको मालूम ही है, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे, इसकी PDF यहाँ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। अब आज शाम को 7 बजे जो आपका सेशन होना है उसकी जगह पे ज्ञान वापी मस्जिद वाला जो एरिया है वहां पे पूजा शुरू हो गई है। अब ये क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर आपको शाम को 7 बजे आज सेशन मिलने वाला है, तो उसे स्किप मत करिएगा, उसे जरूर से देखिएगा। और अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कब, कल सुबह 7 बजे के सेशन में। हाउ द सेशन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, उम्मीद करेंगे कि आपको सीधे शब्दों में आसानी से पूरा जो बजट है वो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो थोड़ा टफ हो। हाँ अगर बेसिक टर्म्स आपको नहीं पता कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है या फिर आपका इंटरिम बजट क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, उसे भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं आपसे शाम।